alaikum students, today's English lecture is for class 7. Today, beta we are going to read the second half chapter, the carry Mudder case. Okay, it is available in your Oxford Modern English book, page number 47. Okay, we are going to complete it today. And uh, we had read the first two pages yesterday. pages to have a Let's have a review. वी हैड रेड ऑब्वियसली द टाइटल इज़ द कैलवी मर्डर केस इट इज़ अ सस्पेंस स्टोरी ठीक है मैंने आपको पहले ही कल बताया था ठीक है uh, कै सर डैनवर्स कैरियो का मर्डर हुआ है उसके केस के बारे में जो है इट इज़ अ स्टोरी एंड लंदन दिखाया गया है एंड अमेड वॉज वॉचिंग दीन फ्रॉम हर विंडो अपने विंडो से वो सब कुछ देख रही थी देर वॉज अ जेंटलमैन एंड अ नदर मैन एंड दे वर टॉकिंग बट द स्मॉल मैन यानी कि जो दूसरा आदमी था जेंटल मैन के अलावा सडनली जो है उसने ही क्लब द जेंटलमैन उसने जो है दूसरे आदमी को जो है वो मारना शुरू कर दिया ये सब कुछ देखकर द मेट फेंटेड वो जो है बेहोश हो गई थी और देन वैन शी केम टू हर सेल्फ जब बेहोश होश में आई तो देन शी कॉल द पुलिस और जब पुलिस आई uh, जो वो दूसरा आदमी था वो जा चुका था मेड uh, जो थी उसको जानती थी क्योंकि uh, उसने उसको एक बार देखा था कि वंस वंस ही हैड केम ही हैड कम टू हर मास्टर एक दफ़ा जो है वो उसके मास्टर के पास आया था uh, एंड दैट मैन नेम वॉज मिस्टर हाइट मिस्टर हाइट था उसका नाम एंड देट वॉज अ स्मॉल पर्सन ठीक है एंड अ विकेड लुकिंग पर्सन और जब वो विक्टम के पास आए यानी कि सर डैनवर्ड कैरू के पास आए डेड बॉडी के पास आए तो देर वॉज जस्ट अ सील्ड इन्वेल्प देयर ठीक है सिर्फ़ एक सील्ड इनवेलप था एंड ऑन दैट इनवेलप मिस्टर एटरसन नेम वॉज रिटन ठीक है तो मिस्टर एटरसन के पास गए इन्वेस्टिगेशन के लिए एंड द मिस्टर अटिस्टेंट जब बॉडी uh, के पास आए देन ही रिकगनाइज द बॉडी कि येस इट इज़ सर डैनविड कैल यू और उसके बाद जब uh, उन्होंने एक स्टिक देखी जिस स्टिक से मारा गया था इट वॉज़ ब्रोकन इं टू टू पीसेस और वन वॉज़ फेल इंटू गटर एक गटर के पास गिर रही थी ठीक है दूसरा पार्ट जो था अब उस स्टिक का ऑब्वियसली इट वॉज़ टेकन बाई किलर वो किलर ले गया था अपने साथ जब वो स्टिक लाई गई मिस्टर अटरसन के पास तो देन ही रिकगनाइज कि ये तो सेम स्टिक है जो कि उसने डॉक्टर हैंनरी जैकल को गिफ्ट की थी ओके okay? अब मिस्टर अटरसन जो हैं वो सोच रहे है कि तो हैं कि डॉक्टर हैंनरी जैकल और मिस्टर हाइड वो जो हैं सेम पर्सन है ठीक है थीके? क्योंकि जो उस फिज़िकल अपेरेंस मेड ने भी बताई उसके हिसाब से डॉक्टर हैंनरी जैकल की अपेरेंस भी इट सेम ही थी ओके okay? और मिस्टर एटरसन हैड डिसाइडेड कि हाँ अब हम जो है इसको ढूंढेंगे उसने uh, इंस्पेक्टर को भी कहा कि आई थिंक आई कैन टेक यू टू हिज हाउस उसके मैं जो है वो आपको उसके घर लेके जा सकता हूँ ओके लेट्स स्टार्ट रीडिंग अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ it was by this time about nine in the morning and the first fog of the season hung in the streets the cab rolled slowly through the dark dreary streets and mister utterson felt gloomy dreary means डल ओके okay, अब नाइन ओ थे मॉर्निंग का टाइम था और जो सीजन की फर्स्ट फोक थी वो भी स्ट्रीट्स पर थी और कैब जो थी यानी कि जो उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी वो स्लोली जा रही थी थ्रू द डार्क ड्रेरी स्ट्रीट्स यानी कि डल स्ट्रीट्स में और मिस्टर अटर्सन फेल्ट ग्लूमी ही वॉज फीलिंग वेरी सैड ग्लूमी मीन्स सैड दिस वर्ड यू हैव रेड इन द स्टोरी ऑफ एन इन्विटेशन एज वेल आई होप कि आपको याद होगा ओके एज द कैब ड्री अप बिफोर द एड्रेस इंडिकेटेड द फोग लिफ्टेड अ लिटल एंड शोड हिम अ डेंगी स्ट्रीट डेंगी मीन्स डार्क ओके अब जो कैब uh, जो है वो एड्रेस जो, uh, जो बताया गया था वहाँ पर आई और फोक जो है वह थोड़ा सा ऊपर हुई और एक उनको डार्क सी स्ट्रीट नज़र आई अ ग्रबी ईटिंग हाउस ग्रबी मीन्स डर्टी एक गंदा सा घर था अ फ्यू शॉप सेलिंग चीप गुड्स ठीक है कुछ दुकानें थी वहाँ पे सस्ती चीज़ें मिल रही थी मैनी रेजेड चिल्ड्रन हडल्ड इन द डोर वे ठीक है रेजड मीन्स टोन चिल्ड्रन यानी कि जो गंदे गंदे बच्चे थे जिनके कपड़े भी फटे हुए थे साफ़ सुथरे बच्चे नहीं थे वो इकट्ठे हो गए उस दरवाजे पर एंड मैनी पीपल ऑफ़ डिफरेंट नेशनालिटी इज पासिंग बाय और डिफरेंट नेशनालिटीज़ के लोग जो है वो पाथ से गुजर रहे थे एंड द नोक्स नेक्स्ट मोमेंट द फोक सेटल डाउन अगेन अपॉन दैट पाथ एज ब्राउन एज अंबर ओके अंबर जो है डार्क येलो कलर को बोलते हैं अगले ही लम्हे जो है फोक फिर से जो है वो वहाँ पर अपीयर हो गई और वो फोक के लिए उसने जो है वो सिमिली यूज़ की है एज ब्राउन एज अम्बर ठीक है उतनी ब्राउन फोक जैसे कि अंबर एंड कट हीम ऑफ फ्राम हिज लवली सराउंडिंग्स This was the home of Henry Jekyll's favorite of a man who was hired to a quarter of a million sterling. Okay, अब ये जो घर जो था ये था Henry Jekyll का favorite one. ठीक है एक ऐसे आदमी का घर था जिसके पास एज अ inheritance क्या आया था क्वार्टर ऑफ अ मिलियन स्टर्लिंग स्टर्लिंग वो है बेटा ब्रिटिश करेंसी ठीक है उसका क्वार्टर जो है उस पर्सन के पास था आ, उसने एज एन इन्हेरिटर जो है इस प्रॉपर्टी को जो है वो आ, लिया था और ये आ, इस आदमी के घर में मिस्टर हेनरी जैकल रहते थे ठीक है और ये हेनरी जैकल जो का घर जो है वो फेवरेट वन था एंड आइवरी फेस्ड एंड सिल्वरी हेयरड ओल्ड वुमेन ओपन द डोर आइवरी मीन्स वाइट ठीक है वाइट कलर का फेस था और सिल्वरी हेयर इट मीन्स कि उसके बाल भी वाइट थे ओल्ड वुमेन ओपन द डोर उसने दरवाज़ा खोला उस घर का शी हैड एन इवल फेस ठीक है बहुत बुराई से भरा हुआ फेस था उसका स्मूथ बाय हिपोक्रेसी हिपोक्रेसी जिसको मुनाफ्त कहते हैं यानी कि दिल में कुछ और होता और बाहर कुछ और और उसका फेस जो था वो इवल फेस ही था रियल में बट उसने स्मूथ किया हुआ था विद होई हिपोक्रेसी बट हर मैनर्स वर एक्सीलेंट उसके मैनर्स बहुत एक्सीलेंट थे येस शी सेट दिस वॉज मिस्टर हाइट्स बट ही वॉज नॉट एट होम उसने कहा हाँ ये घर मिस्टर हाइट का है बट ही इज़ नॉट एट होम ही हैड बीन इन दैट नाइट वेरी लेट वो रात को भी लेट घर आया था बट हैड गोन अवे अगेन इन लेस देन एन आवर लेकिन एक घंटा में नहीं हुआ वो वापस जो है वो बाहर कहीं चला गया देर वॉज नथिंग स्ट्रेंज इन दैट इस चीज़ में कोई स्ट्रेंजनेस नहीं थी क्योंकि हिस हैबिट्स वर वेरी रेगुलर मिस्टर हाइट की जो हैबिट्स थी वो इसी तरह की थी एंड ही वॉज ओफन एबसेंट वो अक्सर जो है वो इस तरह एबसेंट ही रहता था घर से फॉर इंस्टेंस यानी कि फॉर एग्जाम्पल इट वॉज नियरली टू मंथ सिंस शी हैड सीन हिम टिल यस्टरडे क्योंकि टू मंथ्स के बाद जो है वो उस वुमेन ने जो है कल मिस्टर हाइट को जो है वो देखा था ठीक है जो है वो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहता था वेरी वेल दैन वी वॉश विश टू सी हिज़ रूम जो सेट द लॉयर यानी कि लॉयर यानी कि जो मिस्टर अटरसन थे उन्होंने कहा ओके दैन वी वॉन्ट टू सी हिज़ रूम बट एंड वेन द वुमेन बिगेन टू डिक्लेयर इट वॉज इम्पॉसिबल जब वुमेन ने कहा कि नो इट इज़ इम्पॉसिबल यू कॉन्ट सी हिज़ रूम आई हैड बेटर टेल यू हु दिस पर्सन एज ही एडेड दिस इज़ इंस्पेक्टर न्यूकूमैन ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड ओके अब लॉयर ने कहा ओके okay, आप मुझे नहीं देखने देंगी तो मैं आपको बताती हूँ बताता हूँ कि ये पर्सन कौन है ये इंस्पेक्टर है स्कॉटलैंड यार्ड के ओके अ फ्लैश ऑफ ऑडियस जॉय अपियर्ड अपॉन द वुमेंस फेस ऑडियंस फे इस अनप्लेजेंट ठीक है बहुत ऑर्ड किस्म की जो है वो uh, लुक आ गई उसके ऊपर वुमेन के फेस के ऊपर क्योंकि उसे बताया गया कि ये इंस्पेक्टर है और सेट शी ही इज़ इन ट्रबल इट मीन्स उसको फिर जो है वो इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि मिस्टर हाइड डिज़ इन ट्रबल वट हैज डन उसने क्या किया है मिस्टर अटरसन एंड द इंस्पेक्टर एक्सचेंज ग्लांसेस उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा ही डज इट सीम अ वेरी पॉपुलर करैक्टर ऑब्जर्व द इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर ने कहा कि वो एक अच्छा करेक्टर नहीं लगता एंड नाउ जस्ट लेट असिन और अब हमें अंदर आने दो in the whole extent of the house extent means the covered area tikhé mm -hmm. house houseka covered area such which but for the old woman remained otherwise empty was mr. old woman retiti or bakiwo mr. hyde had only used a couple of rooms chanday room used mr. hyde but these were furnished with luxury and good taste ठीक है बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे टेस्ट के साथ फर्निश किए गए थे बहुत लग्जरी के साथ किए थे अ कबर्ड वॉज फिल्ड विद फूड फूड एंड ड्रिंक्स ठीक है एक कबड जो है वो फूड और ड्रिंक से फुल हुई थी द टेबल वॉज सेट विद सिल्वर कटलरी ठीक है इससे जो है मिस्टर हाइट के टेस्ट का पता चल रहा है ही हैड अ गुड टेस्ट ओके सिल्वर कटलरी सेट जो है टेबल पे लगा हुआ था एंड फाइन चाइना आर्ट वर्क हैंग अप ऑन द वॉल ठीक है वाल पे चाइना आर्ट वर्क जो है वो भी उसकी कोई चीज़ हैंग हुई हुई थी अ गिफ्ट एज अटरसन स्पोज फ्राम हैंनरी जैकल ठीक है जो हैंनरी जैकल की तरफ से एज अ गिफ्ट मिस्टर अटरसन ने सोचा कि यह एज अ गिफ्ट होगा हैंनरी जैकल की तरफ से हुआस मच ऑफर कन्शर कन्शर मीन्स हैड कुेस्ट ठीक है उसको भी आइडिया था के uh, जो मिस्टर uh, हाइड है उसका टेस्ट जो है वो गुड है एंड द कारपेट्स वर थिक एंड एक्सपेंसिव लुकिंग जो कारपेट्स थे वो भी मोटे थे महंगे वाले थे एट दिस मोमेंट हाउ एवर द रूम्स बोर एवरी मार्क ऑफ हैविंग बीन रिसेंटली एंड हरिडली रैन सैक् मीन्स सर्च थ्रू ओके okay, अब उसी लम्हे उनको लगा कि हर रूम में जो भी चीज़ें हैं उससे उनको आइडिया हुआ कि इस रूम को अभी अभी क्या किया गया है सर्च थ्रू किया गया इसकी तलाशी ली गई है कुछ जैसे ढूंढने के लिए रूम का जो हाल किया होता है वो हुआ हुआ था क्लोथ्स ले अबाउट द फ्लोर क्लोथ्स पड़े हुए थे फ्लोर पे विद देयर पॉकेट्स इनसाइड आउट पॉकेट्स जो थी वो बाहर निकली हुई थी ड्रॉर्स टू ओपन ड्रॉर्स जो है वो खुले हुए थे एंड ऑन द हर्थ देयर ले आ पाइल ऑफ ग्रे एशेज ठीक है हर्थ पे जो है ग्रे एशेस पड़ी हुई थी इट मीनस कि कुछ जलाया गया था एज दो मैनी पेपर्स ओके सेम थिंग कि कुछ पेपर्स जलाए गए हैं फ्रॉम दीज एम्बर्स एम्बर्स बोलते हैं स्मॉल पीसीज ऑफ बर्निंग कोल जलते हुए कोयले के जो टुकड़े होते हैं उसको कहते हैं एम्बर्स द इंस्पेक्टर डिस इंटर्ड इंटर्ड मीन्स डिसकवर्ड उसने इस बात का आइडिया लगा लिया द उस सॉरी उसने डिसंटर्ड क्या डिस्कवर किया द स्टब ऑफ अ ग्रीन चेक बुक स्टब मीन्स द पार्ट ऑफ चेक उसे एक जो है वो चेक ग्रीन चेक बुक का जो है वो पार्ट मिला विच हैड रजिस्टेड द एक्शन ऑफ फायर जिसकी वजह से जो है वो फायरिंग का जो प्रोसेस uh, चल रहा था वो रुक गया द अदर हाफ ऑफ द स्टिक वॉज फाउंड बिहाइंड द डोर ओके आई हैड टोल्ड यू गेस्टडे और आज भी मैंने आपको बताया कि जो सेकेंड हाफ पार्ट था स्टिक का वो किलर ले गया था अपने साथ वो भी मिल गया बिहाइंड द डोर एंड एज दिस क्लिचड क्लिंच मीन कन्फर्मड इस बात से जो है उसकी uh, जो डाउट्स थे वो कन्फर्म हो गए द ऑफिसर डिक्लेयर्ड हिम सेल्फ डिलइटेड इस वजह से वो डिलइटेड उसने फील किया खुश फील किया हैप्पी फील किया विजिट टू द बैंक वेयर सेवरल थाउजेंड पाउंड फाउंड टू बी लिंक टू द मर्डरर्स क्रेडिट कम्प्लीटेड हिज ग्रेटिफिकेशन ओके उसने कहा कि एक विज़िट करना होगा बैंक में जहाँ पर जो है वो सेवरल थाउजेंड पाउंड जो है वो मर्डरर के क्रेडिट में परे होंगे ठीक है उससे जो है उसकी जो है वो ज़्यादा सेटिसफाई हो जाएगा यू मे डिपेंड अपॉन इट सर ही टोल्ड मिस्टर अटरसन ओके मिस्टर अटरसन ने को बताया कि तुम इस चीज़ पर डिपेंड कर सकते हो मतलब कि विजिट जो बैंक में होगा उस पर तुम डिपेंड कर सकते हो आई हैव इन माई हैंड ही मस्ट हैव लॉस्ड हिज हैड ठीक है वो तो मेरे एक तरह से हाथ में ही है आई नो हिम वेरी वेल वो उसका एक तरह से दिमाग खराब हो चुका है और ही नेवर वुड हैव लेफ्ट द स्टिक अदरवाइज जो है वो अपनी स्टिक जो है वो यहाँ पर ना छोड़ता और अबव ऑल बर्न द चेक बुक और ना उस चेक बुक को भारता जलाता ही विल नीड मनी टू लिव ऑब्वियसली उसको मनी चाहिए होगी रहने के लिए वी हैव नथिंग टू डू बट वेट फॉर हिम एट द बैंक ओके अब हम कुछ नहीं कर सकते बस उसके बैंक में वेट ही कर सकते हैं एंड गेट आउट द वांटेड पोस्टर या पोस्टर्स निकलवा सकते हैं वांटेड के नाम से ठीक है जो आपने देखा होगा कि जो वॉन्टेड पर्सन होते हैं उनकी पिक्चर्स के साथ जो है वो वॉन्टेड लिखा होता है और वो पोस्टर्स निकलवाए जाते हैं उनको ढूंढने के लिए दिस हाव एवर वॉज नॉट सो ईजी टू अकम्पलिश लेकिन वॉन्टेड के पोस्टर्स निकलवाना ये भी इट वॉज नॉट ईजी टू फुलफिल फॉर मीन्स बिकॉज फ्यू पीपल न्यू मिस्टर हाइट क्योंकि सिर्फ चंद एक लोग मिस्टर हाइट को जानते थे इवन द मास्टर ऑफ द सर्वेंट मेड हैड ओनली सीन हिम ट्वाइस जो मेड uh, का जो है वो uh, मास्टर था उसने भी सिर्फ उसको टू टाइम्स देखा था हिज़ फैमिली को ना नो भी ट्रेस्ड उसकी फैमिली को भी ट्रेस नहीं किया जा सकता था ही हैड नेवर बीन फोटोग्राफ्ड उसकी शायद कोई फोटोग्राफ भी नहीं ली गई थी एंड द फ्यू हु कोड डिस्क्राइब हिम वाइडली एज कॉमन ऑब्जर्वर विल ओके जो उसको डिस्क्राइब uh, कर सकते थे वो भी डिफर्ड वाइडली ठीक है उनकी भी बातों में डिफरेंस था ठीक है कोई सेम पॉइंट पर नहीं था इस तरह से कोई कॉमन चीज़ नहीं बताते थे ओनली वन पॉइंट पर दे एग्री सिर्फ एक पॉइंट पर वो एग्री कर रहे थे एंड दैट वाज हॉन्टिंग सेंस ऑफ स्ट्रेंजनेस और वो क्या थी हॉन्टिंग मीन्स पावरफुल पावरफुल एक स्ट्रेंजनेस थी जो वो छोड़ देता था विद विच ही लेफ्ट पीपल जिस जिस मतलब कि जहाँ से बस मिस्टर हाइट गुजरता था उसके लोगों के अंदर अजीब सी जो है वो स्ट्रेंजनेस जो है वो छोड़ देता था दिस वॉज द कॉमन पॉइंट अदरवाइज जो है कोई जो लोग उसको जानते थे वो कोई भी जो है कॉमन चीज़ उसके बारे में नहीं बता सकते थे ओके बेटा दिस वॉज द चैप्टर द कैरी मेडर केस और आपको फ़ील हो रहा होगा दिस इज़ इनकम्प्लीट येस इट इज़ इनकम्प्लीट इट इज़ जस्ट एन एक्स्ट्रैक्ट ठीक है ये सिर्फ एक पार्ट है एक नावल में से जिसका नेम है द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड ठीक है ये उसमें से एक पार्ट लिया गया है और अगर आप इसको जो है वो कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नावल के थ्रू जो है वो इसको पढ़ सकते हैं ओके बेटा दिस इज द रीडिंग फॉर टुडे एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर प्रॉपरली